नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापसी कर चुके हैं। कल रात प्रधानमंत्री का जहाज, करोड़ों रुपए वाला जो जहाज है, वो भारत आ गया। और भारत आने के बाद हमेशा की तरह प्रधानमंत्री का जो ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें देखने के लिए देशवासी उत्सुक थे, वो ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री जी का नहीं हुआ। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर खड़े रहे, ना नड्डा आए, ना अमित शाह आए, ना राजनाथ सिंह, और ना ही भाजपा का कोई केंद्रीय मंत्री पहुंचकर मोदी जी को रिसीव करता हुआ नजर आया। आलम तो ये तक हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले फ्रंट सीट पर बैठा करते थे, बड़े ठाट बाट से कैमरे में उनकी तस्वीरें नज़र आती थी कि कैसे ड्राइवर ब्लर है, ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री का तेजस चेहरा चमक रहा है, वो चेहरा भी अब बैक सीट पर पहुंच गया है। ऐसी क्या परेशानियां हो गई है बीजेपी के अंदर कि प्रधानमंत्री का बार बार अनादर हो रहा है? क्यों प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेने एयरपोर्ट पर लोग नहीं जा रहे हैं? यहाँ तक कि दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में रहने के बावजूद भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो मोदी जी को रिसीव नहीं कर रहे हैं। आखिर मोदी जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिनको उनके साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इस तरीके से उनके साथ पेश आया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया प्रधानमंत्री जी के साथ? उन्होंने क्या किया? तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री हैं और विदेश में भी कह आए हैं कि वो तीसरे कार्यकाल में सबसे लंबे टर्म के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि उन्हें जवाहरलाल नेहरू का नाम याद नहीं है, वो बिना किसी सपोर्ट के अकेले सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन यहां तो एनडीए के साथ सरकार बनाने के बावजूद भी विदेशों में जाकर ये सारी बातें कही जा रही है कि वो सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पार कर चुके हैं। खैर, तारीफ़ करने में कोई बड़ाई नहीं है, तारीफ़ अगर दूसरा करे तो समझ में आता है, अपने आप से करने लगे तो फिर बात अलग है। अब देखिए, मोदी जी आए हैं एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आ रहा है तो बात तो बनेगी ही, और बात इतनी बन गई कि सोशल मीडिया पर लोगों के ज़रिए वीडियो शेयर कर दिया गया है। ANI की वीडियो है दोस्तों, लेकिन मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कि प्रधानमंत्री जी वाइट कुर्ता पजामा और सदरी, जी हाँ, डार्क कलर का सदरी जो है वो पहनकर आ रहे हैं, बड़े ठाट बाट के साथ अपने विमान से उतर रहे हैं। फिर मैंने नज़र दौड़ाया कि यहाँ पर कौन कौन है, तो यहाँ पर ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आया जिसको बता सकूँ कि हाँ भाई, बीजेपी के ये कद्दावर नेता हैं जो मोदी जी से मुलाकात करने, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुँचे हैं। कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। गाड़ी लगी हुई है, मोदी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कमांडोज़ हैं, उनका जो है, उनको जो सिक्योरिटी करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो दस्ता है, वो सब मौजूद है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। तो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, एक अमॉक करके कोई पेज है, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया ANI का, और लिख रहे हैं कि देखिए, JP नड्डा फिर से नहीं आए मोदी जी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, फिर से मोदी जी का वही मुँह लटका हुआ चेहरा, वही उदासी भरी आँखें, और मोदी जी बैठकर पीछे वाले सीट पर चलते बने। तो ये तस्वीरें जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये पुरानी तस्वीरें हो सकती है, नई नहीं, लेकिन जब मैं आज तक पर जाकर सर्च किया, आज तक को मैंने देखा, तो मेरे को फिर समझ में आया कि हाँ, ये खबर पक्की है, क्योंकि मोदी जी को इस बार भी कोई लेने के लिए नहीं आया है। मोदी जी अकेले ही उतरे और अकेले ही यहाँ से चल गए आधी रात। जी हाँ, आधी रात का समय कम से कम बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए। मोदी जी 74 साल के हो गए, 75वां में प्रवेश करने वाले, और इस उम्र में उनको अकेले छोड़ दिया जा रहा है। कम से कम कर्टेसी तो होती है कि भाई, कोई गया रात में रिसीव करने के लिए, हमारे परिवार के में कोई भी सदस्य आते हैं तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं दोस्तों? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट रिसीव करने जाते ही हैं कि भाई अकेले कैसे आएंगे, जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मोदी जी बार बार अकेले जा रहे हैं, अकेले आ रहे हैं। पहले तो बहुत तामझाम हुआ करता था, अब तो इतने बड़े दौरे से आए हैं मोदी जी, अमेरिका में इतना बड़ा मीटिंग था, और उस मीटिंग से मोदी जी की वापसी होती है तो लोग नदारद हैं। ये मतलब समझ से परे है दोस्तों कि मोदी जी का बार बार बीजेपी की तरफ से इस तरीके से अनादर क्यों हो रहा है, क्यों मोदी जी का मान सम्मान नहीं हो रहा है? पहले तो JP नड्डा दौड़ते हुए एयरपोर्ट चले जाते थे, एयरपोर्ट पर खड़े होकर गुलदस्ता बांटने लग जाते थे, लेकिन अब कोई क्यों नहीं जा रहा है? अब ऐसी क्या दिक्कत हो गई बीजेपी के लोगों को कि मोदी जी को रिसीव करने कोई नहीं जा रहा है? आधी रात में मोदी जी आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं,
और उनको कोई लेने नहीं जा रहा है। हालांकि आज मोदी जी का हरियाणा के अंदर रैली भी है दोस्तों, मोदी जी आज हरियाणा में रैली करने वाले हैं, वो खबर भी बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन आज की जो अभी की जो ताज़ा तरीन वीडियो है, जो एक्सक्लूसिव खबर है, वो ये है कि प्रधानमंत्री का बार बार अनादर बीजेपी के ज़रिए हो रहा है। विपक्ष करता तो समझ में आता कि विपक्ष है ही ऐसा, उनको कोई काम नहीं है मोदी जी को ट्रोल करने के अलावा, मोदी जी में खोट नुस्खा निकालने में। लेकिन यहाँ तो बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं उनको लेने के लिए कोई नहीं जा रहा है, मोदी जी खड़े हैं उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, भूखे तक नज़र नहीं आ रहा। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु जी हैं हमारे, और विश्व गुरु जी को भूखे वगैरह कोई स्वागत कोई सम्मान नहीं। 3 दिन का इतना थकान भरा दौरा, इतना स्ट्रेस रहा होगा, किन किन लोगों से बातचीत की होगी, बाइडेन से मिले मोदी जी, कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जेलेंस्की से भी मिले, युद्ध समझौता पर बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ इतना बड़ा बड़ा कारनामा करके विदेश से लौटने वाले मोदी का मान सम्मान नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलने वाला है, ऐसे कब तक मोदी जी को साइड किया जाएगा? वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, एक्स नहीं हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं बने हैं अभी, अभी वो माननीय श्री 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 नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, 140 करोड़ देशवासियों के मुखिया हैं, विश्व गुरु हैं। और विश्व गुरु विश्व से जब आ रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े देश से, तो उनके साथ ये सब हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। मैं तो सच में बीजेपी के लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, कम से कम मोदी जी को लेने के लिए एयरपोर्ट तो जाना चाहिए। एयरपोर्ट में क्या चला जाता, कुछ नहीं जाता, 5-10 मिनट की बात है, वैसे भी आप लोगों के लिए रास्ता तो खाली करवा दी जाती है। आप लोग कौन सा ट्रैफिक में फंसने वाले लोग हैं? हम जैसे लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, समझ में आता है ट्रैफिक में घंटों पर फंसे हुए हैं जाम में, लेकिन आप लोगों के पास तो सुरक्षा सिक्योरिटी सब कुछ खाली हो जाता है। और दिल्ली जैसे शहर में यूँ इतने अच्छे जगह पे रहते हैं, यूँ पहुँच जाइएगा एयरपोर्ट पर, लेकिन यहाँ तो एयरपोर्ट पर कोई जा ही नहीं रहा, कोई लेने के लिए ही नहीं पहुँच रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है मोदी जी के साथ जो ये बार 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 हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।